सब चढ़ाई। आपने क्या क्या चढ़ाया है? बेलपत्र, धतूर, भांग, सब जितना भी भोलेनाथ को पसंद है उतना हम लोग चढ़ा। क्या मांगा आपसे? सब कुछ, परिवार की सुख समृद्धि खुशी, सबको अच्छा अच्छे रखें। बहुत बढ़िया से, हम तो सोचे भी नहीं थे कि आज दर्शन हो जाएगा, लेकिन घर से आए हैं तुरंत हमें दर्शन हो गया है। कब से चढ़ा रहे हैं यहाँ पे आप भोलेनाथ को? हम तो बहुत पहले से, हम तो बचपन से ही समझे हैं। क्या क्या चढ़ाया आपने? बेलपत्र, भांग, धतूर, दूध, दूध का जलाभिषेक किए हैं और फल भी चढ़ाया है, सब कुछ चढ़ाया है भोलेनाथ को। या मुरादे क्या मांगी आपने? सुख संपत्ति, घर में सुख संपत्ति बनी रहे और क्या। भोलेनाथ तो सब देखते हैं, सब देते हैं अपने आप। भांग, धतूर, दूध, फल सब में हम चढ़ाया है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा भीड़ भी चल रही है, पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, और तब भी भगवान की कृपा है कि दर्शन आराम से हो रहा है, प्रशासन भी अच्छी है। प्रदेश के सभी सम्मानित जनता को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उसके बाद आज यहाँ झारखंडी मंदिर पर आए सभी श्रद्धालुओं से अच्छे से देखा मैंने कि उनका दर्शन हो रहा है। महादेव का आशीर्वाद से सबका सौभाग्य है कि दर्शन हो रहा है। मेरा भी सौभाग्य था कि मैं आज दर्शन के योग्य हुआ, और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन महादेव जी बहुत प्राचीन युग से माने जाते हैं, यहाँ के बहुत प्रचलित महादेव झारखंडी मंदिर है, और यहाँ पे आए सभी श्रद्धालुओं को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमने बहुत लंबी लाइन लगाई मॉर्निंग 3 o'clock से, उसके बाद जाके सुबह दर्शन मिला है, तो ये दूध दही सबसे हम लोग ने दर्शन किया है। और आपने भोलेनाथ से क्या मांगा आशीर्वाद के रूप में? अब प्रेयर तो बताया जाता नहीं है, मांगा तो बहुत कुछ है। बहुत श्रद्धा और प्रेम के साथ तमाम भीड़ों के बावजूद भी भोलेनाथ ने मुझे अच्छी तरह से दर्शन दिया, और इनकी महिमा अपरंपार है, इनको कोट कोट प्रणाम है, सतत नमन प्रणाम है, ऐसे अघोरदानी। पूजे में क्या क्या चढ़ाया? पूजे में भांग, धतूर, आंवला और दूध, मधु, सब कुछ चढ़ाया।